शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद पिता फिर से ऑफिस की फाइल्स में उलझा हुआ था। तभी उसका 8 साल का बेटा पास आया और बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। फाइल से नज़र हटाए बगैर पिता ने जवाब दिया, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा ने पूछा। इस अजीब सवाल पर पिता को कुछ गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं मैं काम में बिजी हूँ। पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा जिद करने लगा, 500 रुपये। पिता ने जवाब दिया और काम में लग गया। ओह, बेटा सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर सिर उठाकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हैं? यह सुनना था कि पिता का गुस्सा बढ़ गया। वह बेटे को झड़कते हुए बोला, अच्छा तो सुन, तुम इसलिए मुझसे सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौना या कोई फालतू सी चीज़ खरीदनी है? अब एक शब्द कहे बगैर सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। बेटे का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वह वहां से चला गया। पिता कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहा, फिर काम में लग गया। काम खत्म होने तक उसकी नाराज़गी भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुख होने लगा। वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी ज़रूरी चीज़ के लिए 300 रुपये की ज़रूरत हो। वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता। वह मेरे बेटे के कमरे में गया, देखा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने पूछा, सो गए क्या? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा मैं जगा हुआ हूँ। बेटा मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो 300 रुपये जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे। पिता बेटे के पास बैठते हुए बोला, थैंक यू पापा। बेटा चहक उठा। 300 रुपये एक तरफ रख कर उसने अपने तकिए के नीचे दबे कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। यह देख पिता को फिर से गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा। अब हैं, बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा ये लीजिए 500 रुपये, क्या मैं इससे मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ कल आप घर जल्दी आ जाना, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर पिता अवाक रह गया। सीख, हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमारे पास अपने परिवार और परिजनों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं होता। समय धीरे धीरे हमारे साथ हाथ से फिसलता चला जा रहा है और बीता समय कभी वापस नहीं आएगा। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने परिवार को महत्व दें। धन्यवाद।